भाजपा नेता व राजकोट से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में देवभूमि क्षेत्रीय संगठन का विरोध लगातार जारी है। आपको बता दें कि सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में आज संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंककर पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही मांग की कि पुरुषोत्तम रूपाला का लोकसभा टिकट वापस लिया जाए, नहीं तो राजपूत समाज के नेताओं को विरोध का सामना करना पड़ेगा। जी देखिए, जिस प्रकार से ये पुरुषोत्तम रूपाला जो है ये केंद्रीय मंत्री रहा है, गुजरात से है, राजकोट सीट से अभी भाजपा का उम्मीदवार है, जिस प्रकार से भी हाल ही में एक कार्यक्रम में पुरुषोत्तम रूपाला ने बयान दिया कि राजपूत कौम वो एक कायर कौम है, इन्होंने मुगलों और अंग्रेजों के सामने अपनी औरतों को पेश कर अपना इतिहास लिखा है, इन्होंने किसी भी युद्ध भूमि में कोई इन्होंने वीरता नहीं दिखाई। आज पूरे के पूरे देश का राजपूत समाज सड़कों पर है, आक्रोश में है और पूरे के पूरे जोर शोर से पूरे देश में क्षत्रिय समाज ये मांग उठा रहा है कि जो पुरुषोत्तम रूपाला है उसका राजकोट सीट से उसका टिकट वापिस लिया जाए। भाजपा कांग्रेस के जितने भी राजपूत समाज के नेता हैं आज वो सारे के सारे चुप्पी साधे बैठे हैं। गुजरात की बात हो, अहमदाबाद की बात हो, सूरत की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, वहाँ पर राजपूत नेताओं की पगड़ियाँ सरेआम सरकारी प्रशासन के द्वारा सरकार के द्वारा सरेआम राजपूत नेताओं की पगड़ियाँ उछाली जा रही है, उनके ऊपर मुकदमे लगाकर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। आज आप हरियाणा में देखो, यूपी में देखो, राजस्थान में देखो, लाखों की संख्या में राजपूत समाज सड़कों पर। हिमाचल प्रदेश इस आक्रोश से, इस गुस्से से अछूता नहीं। देवभूमि क्षेत्रीय संगठन हमेशा से इस हिमाचल प्रदेश में पहली पंक्ति में खड़े होकर चाहे सरकार के विरुद्ध हमारे समाज के खिलाफ जो भी नीतियां योजना रही, हमने पहले पंक्ति में खड़े होकर हमने इन सरकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल सहित मौजूदा सरकार के मंत्री भी, कुछ मंत्रियों के अलावा मंडी से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत भी राजपूत समाज से आती है, लेकिन कोई भी इस टिप्पणी के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। अनुराग ठाकुर राजपूत समाज से आते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह राजपूत समाज से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, चाहे अनिरुद्ध राणा, चाहे रोहित ठाकुर, ये जितने भी राजपूत नेता है, चाहे आज मंडी लोकसभा से कंगना रनौत आज हिमाचल प्रदेश में आई है जो एक राजपूत समाज से आती है, आज ये सारे के सारे लोग चुप्पी साधे बैठे। भाजपा के नेताओं ने, चाहे कांग्रेस के नेताओं ने, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, अन्य वर्गों का वोट बैंक लेने के लिए राजपूत समाज को हमेशा से ये टारगेट करते हैं। इन लोगों को पता नहीं कि आज भाजपा जो नारा इस देश में दे रही है कि अब की बार 400 पार। अरे साहब, अगर आप राजपूत समाज के साथ अगर आप पंगा लेने का प्रयास करेंगे, आप 400 पार तो क्या आप 40 के आंकड़े को भी नहीं छू पाएंगे। काले झंडे दिखाई देंगे, इनके सड़कों पर इनको रोका जाएगा, इनको इनके कार्यक्रमों से वापिस इनको भेजा जाएगा, इनका विरोध प्रदर्शन करेगा राजपूत समाज पूरे हिमाचल प्रदेश में। ये कतई भी ना बोले कि 40 लाख राजपूत इस हिमाचल प्रदेश में रहता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट।